ग्राम पंचायतों में स्थायी रूप से दिन रात ईमानदारी से कम वेतन में काम कर रहे ग्राम रोजगार सहायकों ने आज अपनी नाराजगी जताते हुए सैकड़ों की संख्या में धार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम धार SDM को ज्ञापन सौंपा। ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास कार्य मनरेगा योजना प्रधानमंत्री आवास जैसे लक्ष्य की पूर्ति के लिए अधिकारी द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर काम करवाया जाता है, जिससे ग्राम रोजगार सहायक मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। अधिकारी मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर अत्याचार कर रहे हैं और नौकरी से बर्खास्त करने की धौंस देते हैं। इसको लेकर मोर्चा संघ में काफी नाराजगी है। मोर्चा संघ के सैकड़ों ग्राम रोजगार सहायकों ने ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि हम लोग भी कर्मचारी के रूप में इंसान हैं और हमारे साथ अधिकारियों द्वारा इंसान के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के संकट से गुजर रहा था, तब भी हम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राज्य सरकार के आदेश अनुसार मूलभूत कार्यों को पूरा करने में जुट रहे। इसके बावजूद भी अधिकारी ग्राम रोजगार सहायकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए धार से अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। आज का हमारा जो ज्ञापन है वो संविदा कर्मचारियों और ग्राम रोजगार सहायक जो अत्यधिक मानसिक तनाव में अपना कार्य प्रणाली को भी बेहद परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर लगातार दबाव पे दबाव, लक्ष्य पे लक्ष्य और इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप लक्ष्य पूर्ति नहीं करेंगे तो हम आप लोगों की सेवाएँ समाप्त कर देंगे। मतलब ये कैसे लक्ष्य हुए कि जो व्यक्ति एक नॉर्मल परफॉर्मेंस करता है उसको इतना प्रताड़ित कर दिया जाता है कि वो मानसिक रूप से विकृत तक हो जाए। यहाँ पर लक्ष्यों का दबाव इतना ज़्यादा कर दिया गया, इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया गया और नीचे CO जनपदों को अधिकृत कर दिया गया कि आप संविदा कर्मचारियों और ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त करो। यहाँ पर जिले में 22 ग्राम रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई सिर्फ और सिर्फ लक्ष्यों का दबाव देकर। छोटे मोटे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो और ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त कर दो, हम इसका घोर विरोध करते हैं। अवकाश के दिनों में जिस प्रकार से मानसिक दबाव बनाकर काम करवाया जा रहा है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। कार्यालयीन समय के उपरांत भी व्हाट्सअप, दूरभाष और फोन कर करके लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए आनंद विभाग का सरकार ने गठन किया है, यहाँ पर भय का माहौल व्याप्त तो हो गया है। कैसा शासन है, कैसा प्रशासन कि हमको सीमित रूप से हमारे लक्ष्य जो हम करते हैं, जो काम करते आए वो करने दी जाए, उसको छोड़ के इतने सारे और इतने प्रकार के काम हमारे रोजगार सहायकों को थोप रहे हैं कि उनका जो सामाजिक दायित्व और पारिवारिक दायित्व छिन्न भिन्न हो गया है। हमारी मांग है कि इस प्रकार की कार्य प्रणालियों को जिला प्रशासन संज्ञान में ले और इस प्रकार का माहौल क्रिएट करे कि हमारे लोग पूरी तन्मयता के साथ काम कर सके। जिन रोजगार सहायकों की सेवाएं समाप्त की गई है लेबर नियोजन के नाम पे, उन सभी रोजगार सहायकों की पुनः सेवा बहाली किया जाए, अन्यथा आगामी समय में संगठन ये भी निर्णय ले सकता है कि हम हड़ताल पर बैठ जाएं। मैं संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ से प्रद्युम्न पाटीदार, जिला समन्वयक, आप मेरे साथ में ग्राम रोजगार सहायक संघ से विक्रम शिंदे जी, ग्रामीण विकास संविदा अधिकारी रोजगार सहायकों के माध्यम से एक मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, उनके विषय विभिन्न मांग हैं, हम इसको कलेक्टर महोदय के माध्यम से अवगत कराते हुए राज्य शासन मुख्यमंत्री महोदय को भेज देंगे।